समृद्धि की बातें की सीरीज में प्रथम अध्याय में आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं एस्ट्रो विकास, जो जगाता है सभी में उम्मीदों की आस। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को कि जिंदगी में सुख और सौभाग्य की वृद्धि कैसे की जाए। देखिए दोस्तों, जिंदगी में हर व्यक्ति को सुख चाहिए होता है, अच्छा सौभाग्य चाहिए होता है, और यह अगर मिलता है तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। लेकिन अगर यह नहीं मिलता है तो वो ज़िंदगी में कई प्रकार की परेशानियों से घिरा रहता है। यह माह बताना चाहूँगा, अक्टूबर माह में, चूँकि यह माह मंगलवार 1 अक्टूबर आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया स्वाति नक्षत्र ध्वज केतु योग में प्रारंभ होकर गुरुवार 31 अक्टूबर कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी ज्येष्ठा नक्षत्र कालदंड योग तक 31 दिनों के इस माह में व्रत, दशहरा, विजय पर्व, पंचदिवसीय दीपोत्सव, हेमंत ऋतु का प्रारंभ होगा, गोवंश पूजा आदि की दृष्टि से बहुत ही विशेष है। अब शुभ सौभाग्य कैसे प्राप्त करें? सबसे पहले दीपावली के दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, फिर उस पर तांबे की एक थाली रखकर उसमें अभिमंत्रित 3 पारद मोती, 7 कौड़ियाँ व 1 मंत्र सिद्धि लघु नारियल रख दें। अब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके हल्दी और कुमकुम से पूजा करके पीले व पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद मंत्र की 11 माला का जाप करें। यही प्रयोग दिवाली के दूसरे दिन भी करें। फिर सभी सामग्री को उसी कपड़े में लपेटकर पूजा घर में रख दें। अष्टमी के दिन उस जो पोटली बनाई है ना, उसको नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। देखेंगे कि इससे आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होने लगेगी। अब इसका मंत्र जान लेते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। किसी भी प्रकार के आकस्मिक संकट से बचने के लिए या दुर्घटना से बचने के लिए या अपराधी या पुलिस उत्पीड़न के निवारण हेतु तत्काल नीचे मंत्र का जाप करें। घर में माँ दुर्गा के चित्र पर लाल पुष्प चढ़ाकर तथा धूप दीप जलाकर 108 बार ये मंत्र का जाप करें, आपको आकस्मिक संकट से छुटकारा मिल जाएगा। मंत्र है, शरणागतम दीर्णात परे त्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे लाभ होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और आगे की इसी प्रोग्राम की सीरीज में मैं और भी प्रोग्राम बहुत जल्दी आपके पास ला रहा हूँ। कृपया चैनल को देखते रहें।